10 मिनट में 50 खबरें। दिल्ली पुलिस पर आम आदमी पार्टी के दिल्ली अध्यक्ष दिलीप पांडे का संगीन इल्जाम। कहा राजेंद्र नगर थाने में पुलिस बस ने की कुचलने की कोशिश। पांडे के मुताबिक रात 10:30 बजे की घटना। स्वाति मालीवाल को लेकर दिल्ली के सीएम और एलजी के बीच जंग के आसार। केजरीवाल बोले एलजी ने दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष पद पर मालीवाल की नियुक्ति को नहीं दी मंजूरी। दिल्ली कमीशन ऑफ विमेन में अभी अपॉइंटमेंट किया, अभी ऑर्डर आ गया 5 मिनट पहले मेरे आने के। एलजी साहब ने लिखा है योर ऑर्डर अपॉइंटिंग स्वाति मालीवाल एज डीसीडब्ल्यू चीफ इज हियर बाय डिक्लेयर्ड एज नल एंड वॉइड। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर केजरीवाल सरकार बनाएगी जांच आयोग। 28 जुलाई को एक दिन का विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा। मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी हंगामे के आसार। केंद्र पर दबाव बनाने के लिए गांधी प्रतिमा के सामने सोनिया और राहुल गांधी की अगुवाई में मौन धरना देंगे कांग्रेस सांसद। लोकसभा में आज काम रोका, प्रस्ताव का नोटिस देगी कांग्रेस। कांग्रेस के हमले को नाकाम करने के लिए बीजेपी ने कसी कमर। सुबह 9:30 बजे पार्टी सांसदों की होगी बैठक। व्यापम घोटाले पर विपक्ष को जवाब देने के लिए बीजेपी अपने सांसदों को बांटेगी बुकलेट। बीजेपी सांसदों को दी जाने वाली पुस्तिका का नाम व्यापम भ्रम और वास्तविकता है। बुकलेट में व्यापम को लेकर उठे सवालों के लिए दिए गए हैं जवाब। मध्यप्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शांता कुमार को लिखी चिट्ठी। कहा आप पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, व्यापम पर बोलने से पहले सारी जानकारी जुटा ले। शांता ने अमित शाह को चिट्ठी लिखकर व्यापम मामले पर पार्टी के रुख को शर्मनाक बताया था। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने संसद भवन में बदला अपना कमरा। रूम नंबर 42 की जगह अब कमरा नंबर 44 में गई सुषमा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 जुलाई के दौरे के लिए पटना से लेकर मुजफ्फरपुर तक जबरदस्त तैयारी। पटना में तैयार हो रहा है ऑडिटोरियम। बिहार के लिए 5 योजनाओं को एक साथ हरी झंडी दिखाएंगे पीएम। उत्तराखंड के नैनीताल में आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रांत प्रचारकों की बैठक। भाग लेने के लिए पहुंचे संघ प्रमुख मोहन भागवत समेत करीब 180 अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी। आंध्र प्रदेश के सूखा प्रभावित जिले अनंतपुर में 24 जुलाई को राहुल करेंगे पदयात्रा। किसानों और स्व सहायता ग्रुप की महिलाओं से भी मिलेंगे। सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पेटिशन खारिज होने के बाद फांसी के लिए बचने के लिए याकूब मेमन की एक और कोशिश। रहम के लिए महाराष्ट्र के गवर्नर को लिखी चिट्ठी। याकूब पर आज महाराष्ट्र विधानसभा में बयान देंगे सीएम देवेंद्र फडणवीस। 1999 में कांधार विमान मामले में आतंकवादियों को छोड़ने के खिलाफ थे जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला। पूर्व रॉ चीफ एएस दुलत की किताब के विमोचन समारोह में किया खुलासा। बीजेपी सांसद और राजस्थान की सीएम वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश पर किया मानहानि का केस। धौलपुर महल को सरकारी संपत्ति बताने का मामला। जयपुर एडीजे कोर्ट ने ललित मोदी और उनकी पत्नी समेत 11 लोगों को समन भेजने का दिया आदेश। फर्जी दस्तावेजों के जरिए 2 हवेली खरीदने का आरोप। कोर्ट ने ललित मोदी को दिया 3 नवंबर तक पेश होने का फरमान। अखबारों में छपेगा समन। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने अपलोड किया डीडीए के अधिकारी द्वारा घूस लेने का वीडियो। सिसोदिया के मुताबिक विकास सदन में घूस लेते पकड़ा गया अधिकारी। दिल्ली में देर रात एसीबी दफ्तर के बाहर भारी संख्या में पुलिस की तैनाती से अटकलों का बाजार गर्म। देर रात एसीबी दफ्तर में डीडीए के 2 कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की गई थी लेकिन दर्ज नहीं हुआ केस। इसके बाद माहौल तनावपूर्ण। मुंबई की मेयर स्नेहल अंबेकर के खिलाफ बीजेपी पार्षदों का प्रदर्शन। बीएमसी दफ्तर में मेयर केविन के बाहर दिया धरना। बीजेपी पार्षदों के धरने के बाद मेयर ने दी सफाई। कहा गलत तरीके से पेश किया गया उनका बयान। नाबालिग से यौन शोषण के आरोप में जेल में बंद आसाराम की बढ़ सकती है मुसीबत। गवाह कृपाल सिंह को मिली धमकियों का कथित ऑडियो टेप सामने आया। कृपाल मर्डर केस का आरोपी नारायण पांडे गिरफ्तार। जेल में बंद आसाराम की जान को खतरा। जोधपुर सेंट्रल जेल के अधीक्षक ने कहा आसाराम पर हो सकता है हमला। आसाराम की जेल में बढ़ाई गई सुरक्षा।
यूपी के उन्नाव में दबंगों ने एक शख्स को जिंदा जलाकर मार डाला। मृतक की बेटी से दबंगों ने की थी छेड़छाड़, विरोध करने पर दी सजा। परिवार का आरोप, पुलिस कार्रवाई करती तो बच जाती जान। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में दो रईसजादों का हंगामा। दारोगा समेत आधा दर्जन पुलिस वालों की वर्दी फाड़ी। पुलिस ने होटल के बाहर हंगामा करते दोनों युवकों को पकड़ा था। बिहार शरीफ के पूर्व आरजेडी के पूर्व विधायक पप्पू खान ने जेल से रिहा होने पर जेल कर्मियों को बांटा नोट। कैमरे में कैद हुई तस्वीरें। हाईकोर्ट के आदेश पर जेल से रिहा हुए थे पप्पू खान। झांसी में एसएसपी के दफ्तर के बाहर महिला ने की खुदकुशी की कोशिश। पुलिस पर लगाया पैसे के लिए जबरन परेशान करने का आरोप। देहरादून में मुख्यमंत्री का फर्जी ओएसडी बनकर झांसा देने वाला चढ़ा हत्थे। एक नौकरी के लिए आईएएस अफसर से कर रहा था पैरवी। लखनऊ में लालची डॉक्टर ने ली मरीज की जान। चंद रुपए के लिए निजी नर्सिंग होम में भेजा मरीज को। दिल्ली के एक फार्म हाउस में मालिक की का मर्डर, दूसरा अस्पताल में। हत्या की वजह की तलाश में जुटी पुलिस। गुजरात में रेत माफियाओं का आतंक। अवैध खनन पर छापा मारने गए कलेक्टर को ट्रैक्टर से रौंदने की कोशिश। हरियाणा के यमुनानगर में बेकाबू ट्रक नहर में गिरा। ट्रक में सवार लोगों की तलाश जारी। बांदा में नदी के तेज बहाव में बहे चार बच्चे। नदी में नहाने के दौरान आई बाढ़, एक दूसरे को बचाने में सभी बहे। भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स का यूएस अंतरिक्ष दल में चयन। चार लोगों के व्यावसायिक अंतरिक्ष उड़ान के दल में सुनीता भी। आतंकी हाफिज सईद ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को दी धमकी। भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने से बाज आने को कहा। हाफिज सईद ने कहा अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आकर नवाज शरीफ भारत के साथ दोस्ती करने की ना सोचें। ईद मिलन के बहाने पाकिस्तान ने फिर कश्मीरी अलगाववादियों को दी शह। दिल्ली में पाक उच्चायुक्त अब्दुल बासित के समारोह में पहुंचे हुर्रियत नेता। मॉरिशस में प्रभावित किया जाएगा गंगा का पानी। उद्गम स्थल से गंगा जल लाने के लिए ऋषिकेश के गोमुख रवाना हुआ संतों का दल। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को सौंपा जाएगा जल कलश। पटना के बेली रोड पर सीएम नीतीश कुमार ने किया सूबे के सबसे लंबे ओवरब्रिज का उद्घाटन। 3.25 किलोमीटर लंबा है ओवरब्रिज। रोहतांग दर्रा में दौड़ी सीएनजी बस। एनजीटी के आदेश के बाद हिमाचल पथ परिवहन निगम ने मनाली से रोहतांग पास के लिए किया सीएनजी बसों का परीक्षण। हादसे में बाल बाल बची जोधपुर एक्सप्रेस। क्रैक कपलिंग के साथ पटरियों पर दौड़ती रही ट्रेन। मुगलसराय में खराबी पकड़ में आने के बाद कोच को ट्रेन से अलग किया गया। हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का चेहरा बनी फिल्म अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा। गुड़गांव में आयोजित समारोह में परिणीति की हुई विधिवत नियुक्ति। जिम्बाब्वे दौरे में शानदार प्रदर्शन कर अमृतसर पहुंचे हरभजन सिंह। अपने प्रदर्शन पर जताया संतोष, कहा श्रीलंका दौरे के लिए हूं तैयार। श्रीलंका दौरे के लिए कल होगा टीम इंडिया का सिलेक्शन। 12 अगस्त से शुरू होगी 3 टेस्ट मैचों की सीरीज। भारत में होने वाले अगले वर्ल्ड T20 के कार्यक्रम का ऐलान। कोलकाता में होगा फाइनल। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के बाद टेस्ट मैच में दिखाया बांग्लादेशी गेंदबाजों ने जलवा। 248 रन पर सिमटी दक्षिण अफ्रीका की पहली पारी। 15 अगस्त से शुरू होगी महेंद्र सिंह धोनी की क्रिकेट एकेडमी। झारखंड के बोकारो में धोनी ने बनाई है एकेडमी। सामने आई टर्की के सुरुख में हुई आत्मघाती बम हमले की तस्वीरें। हमले में हुई थी 30 लोगों की मौत। आत्मघाती हमलावर ने यूनिवर्सिटी के छात्रों को बनाया निशाना। सीरियाई शहर कोबानी के पुनर्निर्माण के समर्थन में प्रदर्शन के लिए जमा हुए थे छात्र। तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में प्रदर्शनकारियों को आंसू गैस और पानी की बौछार से काबू करने की कोशिश। तुर्की सीरिया सरहद पर आईएस हमले के विरोध में था प्रदर्शन। ब्रिटेन ने पश्चिमी इराक में आईएसआईएस के ठिकानों पर किया हवाई हमला। इंग्लिश फौज ने जारी किया वीडियो।
चिली में चिल हुआ मौसम का मिजाज, शून्य के नीचे चला गया तापमान, स्तर हवा के थपेड़ों से जीना मुहाल।